चलो कोई नहीं। तो अब आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना। तो पहले तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो आज हम इस एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया भाई? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इक्वेशन अगर ये होता तो इसी को इक्वल टू क्या कर देते? जीरो। तो ये इक्वेशन बन जाती। एक्सप्रेशन का मतलब दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन को हमें स्टडी करना है, याद है? अच्छा, अब याद होगा जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी तो इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके लिखा था, याद आया सबको? बोलो भाई, इस इक्वेशन एक्सप्रेशन को मैंने सिंपलीफाई करके लिखा था ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस तो सर, अगर मैं इसको एज ए ऐसे लिख दूं, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरीके मैं ट्रीट करता हूँ इसको, ठीक है ना? एक्स वेरी कराएंगे तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी हमें। बोलिए भाई, एक्स वेरी कराएंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो अब याद होगा आपने इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले ए कॉमन किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मैं फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना बता रहा हूँ। प्लस सी बाई ए किया था, फिर आपने इसी को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया था याद है ना सबको? बी बाई टू ए किया था इंटू एक्स किया था, और साथ में एक टू मल्टीप्लाई कर दिया था। बोलो, फिर आपने बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर ऐड किया था, और इसी बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर को क्या किया था? अच्छा सब्ट्रैक्ट किया था, याद आ रहा है कि नहीं सबको? तो यही बाई क्या बन गया था? ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसी को आपने सिंपलीफाई किया था तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई होके आया था, आया था कि नहीं बताओ? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, हाँ या ना में जवाब दो यार। यस यही आया था कुछ सिंपलीफाई होके, हाँ या ना? सर, यस ओके। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो अब हमें इसी एक्सप्रेशन को डील करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके सामने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, समझते जाइएगा। तो जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस 1 रखोगे तो 1 आएगा, माइनस 2 रखोगे तो माइनस सॉरी 4 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, ये बताओ। बोलो, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये कुछ पैराबोलिक ग्राफ है कि नहीं है? क्या ग्राफ का नेचर समझ पा रहे हो? मतलब अगर हम एक्स को 1 रखें तो वैल्यू 1 आ रही है, -1 पे भी सेम, 2 रखो तो 4 आ रही है -2 पे भी, 3 रखो तो 9 आ रही है -3 पे भी 9 आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये कुछ पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है कि नहीं, ये समझ रहे हो कि नहीं? समझते जाइएगा बस, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, वाई इक्वल टू अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर कर दें तो जो वैल्यू प्लस आ रही थी अब सब माइनस में आने लगेंगी। माइनस तो ये पैराबोला जो पहले ऊपर की तरफ खुल रहा था अब नीचे की तरफ खुलने लगेगा। यस तो ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर करते ही ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है, माइनस एक्स स्क्वायर करते ही पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर, वेरी गुड। अब इसी में अगला चेंज करते हैं। अगर हम इसको एक्स प्लस वन का स्क्वायर बना दें, बोलो तो क्या होगा बताओ भाई? यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 रखने पे 0 आ रहा था, यहाँ पे माइनस 1 रखने पे क्या आएगा? जीरो। जीरो। फिर 0 रखने पे क्या आएगा? 1। फिर 1 रखने पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। फोर अच्छा, -1 रखने पे क्या आ जाएगा? जीरो -2 रखने पे क्या आ जाएगा? 1। तो वन क्या ये जो ग्राफ होगा ये कुछ शिफ्ट हो जाएगा? देखो ध्यान से यस सर, इस साइड, बट अभी भी रहेगा तो पैराबोलिक शेप में ही ना, और चूंकि ये कोफिशिएंट अभी भी इसका पॉजिटिव ही है तो ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा।
क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं माइनस कर दें इसको, तो अब ग्राफ में क्या चेंज आएगा सर? नीचे की तरफ हो जाएगा, जो पहले ओपनिंग अपवर्ड था वो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। जो पहले ओपनिंग अपवर्ड वाली सिचुएशन में था, अब वो ओपनिंग डाउनवर्ड वाली सिचुएशन में पहुंच गया कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता सकता है मुझे, बोलो। तो ये जो sir. ये जो ग्राफ के नेचर मैंने आपको रफली समझाया, ये समझ में आए सबको? यस सर। हाँ बेटा बोलो सर। y = x + 1 का होल स्क्वायर। यस सर। x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा यहीं पर अगर माइनस 2 कर देते तो क्या हो जाता? तो सर नीचे की तरफ हो जाता, नीचे की तरफ। ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर लेते ना। यस भाई। डाउनवर्ड तो तब करते जब x स्क्वायर में माइनस मल्टीप्लाई होता, नहीं? यस सर। मतलब अगर हम यही ग्राफ को y = x स्क्वायर माइनस 2 करते तो पूरे ग्राफ को हम 2 नीचे से दो वैल्यू शिफ्टिंग कर देते, जो x स्क्वायर ग्राफ था उसको नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट करा लेते। यस सर। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये y = x स्क्वायर का ये बस दो यूनिट ऊपर हो गया सर। हाँ, ये वाला ऊपर हो गया दो यूनिट, ये वाला दो यूनिट नीचे हो गया। यस सर आ गया। क्लियर हो रहा है ना? यानी ओवरऑल जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं लगातार फ्लो में वो ये पढ़ी हैं। एक साथ सबको एक ही फ्रेम पे बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक। ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए का, ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए का। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये था एक्स स्क्वायर का, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए का, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये ए यूनिट ऊपर चला गया और ये ए यूनिट नीचे चला गया। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा इसके बाद अगले फ्रेम में हमने क्या पढ़ा? अगले फ्रेम में हमने पढ़ा कि ये ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है ना? अब अगर हम एक ग्राफ यहाँ बना दें तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है, और ये ग्राफ यहाँ बना दें तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है। मतलब अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है। सारे चेंज समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। बोलो भाई। आ गए सर। क्लियर है? अच्छा yes, के बाद एक लास्ट चीज जो हमने और पढ़ी वो ये थी कि ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और ये ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का है। यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट में माइनस लगाते ही ग्राफ मतलब पैराबोलिक ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड से क्या हो जाता है? ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये समझ गए? ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, ये ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है। यानी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड ये किस पे डिपेंड करता है, किसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है? अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आइए जिस एक्सप्रेशन की हम बात करने जा रहे थे वो एक्सप्रेशन था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को d कह दें तो इसी एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर। बोलो भाई। yes. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलो। यानी अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए लिख दोगे कि नहीं? बोलो। ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बताएंगे भाई आप लोग। ऊपर वाला पार्ट बता दीजिए।
क्या बेटा सही एक्सप्रेशन याद रखना है। नहीं नहीं ये तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लेंगे ना, ये एक्सप्रेशन तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना सीखा है ना। यस सर, यस सर। तो वही एक्सप्रेशन अभी मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे, ठीक है ना भाई, समझ गए। फिर इसी में ए मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली आ गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, ये बताओ। चलिए अब बात करते हैं ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू a, अगर हम इसको x की तरह मान लें तो ये कुछ x का स्क्वायर ही तो लिखा है, बोलो। yes, sir. तो क्या इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा? yes, yes, sir. ग्राफ पैराबोला टाइप बनेगा? yes, sir. इसका ग्राफ पैराबोला टाइप बनेगा कि नहीं, ये बताओ। पैराबोला है ना? yes, भाई ये x की तरह ही तो लिखा हुआ है ना, ये x की तरह ही तो लिखा हुआ है, हाँ या ना में जवाब दो। कुछ किसी x का स्क्वायरी वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, वो बात अलग है कि ये x प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो भाई। yes, तो ये x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो नहीं ले रहा होगा। yes. मेरी बात समझ रहे कि नहीं? या तो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा या इधर साइड, वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, वो सब आपका कंसर्न नहीं है। अल्टीमेटली मैंने बस ये समझा कि ये ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या ये ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या ये कैसे डिसाइड करोगे ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है? तब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और अगर ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये तो समझ में आया कि नहीं सबको, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसे ये वाले ग्राफ में अगर आप देखो ध्यान से तो x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो आ रही है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर भी माइनस वन पे मिनिमम आ जा रहा है, जहां पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर जीरो हो जा रहा है, वही पॉइंट तो मिनिमम ले रहा है, बोलो भाई। जहां पर ये एक्स स्क्वायर का पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो जा रहा है वहीं पे मिनिमम वैल्यू मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही, बोलो। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस एक्स, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते होंगे, एक्स होगा माइनस बी बाई टू ए और वाई होगा माइनस डी बाई फोर ए। तब जब ये ओपनिंग अपवर्ड होगा तो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, और जब ये ओपनिंग अपवर्ड होगा तब ये सबसे ऊपर वाला। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। ये नहीं आया। यस सर, ये माइनस बी अपॉन फोर ए सर, आपने सर वो इक्वेशन जीरो इक्वल कर दी ना उसके। हाँ, ये टर्म हटा दिया। ये टर्म कब हटेगा, जब जीरो के बराबर होगा। और ये जीरो के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस b बाय 2 है, तब y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस b बाय 4 है। भाई पॉइंट लिख दिया, समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बचा, बोलो जल्दी। yes, नहीं बचा। तो यानी अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, हाँ या ना। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड किस बात पे डिपेंड करता है, ए पर। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। मेरी बात समझे कि नहीं, ये किस बात पे? हाँ बोलो बोलो सर। लेकिन आपने x प्लस b बाय 2a को तो पूरा x लिया था ना, तो मतलब सर फिर ये। यस सर, मतलब मैंने आपको बताया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें हमने माइनस d बाय 4a स्क्वायर सबट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बना दी। अब इसमें अगर a पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस d बाय 4a से आगे आएगा, और अगर ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी बाई फोर ए से नीचे आएगा। तो यानी पैराबोला ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा तो माइनस डी बाई फोर ए से ऊपर की वैल्यू लेगा, और अगर डाउनवर्ड बनेगा तो माइनस डी बाई फोर ए से नीचे की वैल्यू लेगा। आप फीलिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। यस सर।
इसका मतलब इसी एनालिसिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने एक एक्सप्रेशन y इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने कहा a पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज कितनी होगी? माइनस d बाई फोर ए से इनफाइनाइट, और अगर आपने कहा a नेगेटिव है तो रेंज कितनी होगी? माइनस इनफाइनाइट से माइनस d बाई, तो इसकी रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस d बाई फोर ए, जहां पे d का मतलब समझते हो ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ये एनालिसिस भी, ये एनालिसिस भी आपने एक बार कर रखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये हो गया आपका एक्सप्रेशन की रेंज लिखने का तरीका, क्योंकि ग्राफ से यही एनालिसिस आ रहा है ना। बोलो भाई, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कोई ग्राफ आपको, मतलब ये एक्सप्रेशन है और इसमें आपको इसकी रेंज बतानी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो आप सीधा ए देखेंगे, अगर ए पॉजिटिव है तो सीधा माइनस डी बाई फोर ए निकाल देंगे, वहां से इनफाइनाइट चले जाएंगे, और अगर ए निगेटिव है तो भी माइनस डी बाई फोर ए निकाल लेंगे और माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए निकाल लेंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड। क्या बात सबको क्लिक कर रही है ये बताओ पहले। सर आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है। अभी आ रही है बेटा? ये शराब आ रही है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा और ए नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ए पॉजिटिव होने पर रेंज होगी ये, ए नेगेटिव होने पर रेंज होगी ये। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। यस सर क्लियर है। गुड। अब यस सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से आपको देने हैं, आपको रेंज बतानी है, जल्दी देखें भाई। पहला fx is equals to 2x square minus 3x plus 1, और second fx is equals to 2x minus x square plus 4। बोलो भाई, तो first answer में क्या देखोगे? a कैसा है? 0। इसका मतलब range क्या होगी इसकी? range क्या होगी भाई? माइनस डी बाई फोर ए से डी निकाल दो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सही है। ए की वैल्यू आपको पता ही है 2 है, तो माइनस डी बाई फोर ए कितना आ जाएगा? बोलो भाई। माइनस, तो रेंज कितनी आ गई इसकी? माइनस 1/8 से इनफाइनाइट, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। सेकंड वाला क्वेश्चन करो जरा, इसकी इसमें ए क्या है? नेगेटिव है, तो इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इनफिनिटी से माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर है, सही है। डी निकालिए कितना आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सही लिख रहा हूँ मैं? देख लेना। फिर माइनस डी बाई फोर ए निकालो कितना आ रहा है, क्या ये 5 आ रहा है? बोलो, तो इसकी रेंज yes, कितनी आ जाएगी भाई? रेंज माइनस इनफाइनाइट से 5। हाँ है ना, मैं जवाब दो। तो जब भी आपको रेंज निकालने को कही जाएगी आप सीधा ए देखकर माइनस डी बाई फोर ए वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि नहीं? जैसे आपने ये पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रियल रूट हैं, दो रियल रूट हैं, तो ऐसी कंडीशन आपने क्या पढ़ी है? डी ग्रेटर देन ए नॉट इक्वल, है ना? यस सर। मतलब और स्पेसिफिक कर दें, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो आपने कंडीशन क्या पढ़ी है? डी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसी में आपने पढ़ा था दो रियल एंड इक्वल रूट, तो आपने कंडीशन क्या पढ़ी है बताओ? डी इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो।
इक्वल टू जीरो। और यहीं पे आपने पढ़ा था टू नॉन रियल रूट, तो आपने कंडीशन क्या पढ़ी है? डी लेस देन जीरो। तो यानी ये इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि ऐसी वैल्यू जहां पर ये इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर ऐसी दो रियल वैल्यू हैं तो डी पॉजिटिव होगा, ऐसी दोनों इक्वल वैल्यू हैं तो डी जीरो होगा, और ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है तो डी हमेशा निगेटिव होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। Yes, इसी चीज को अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझूं तो ये जो ग्राफ है, अगर ये एक्स एक्सिस को दो बार कट कर जाए तो यहीं पे दो बार जीरो हो रहा होगा, एक बार अल्फा पे एक बार बीटा पे, तो इसके कितने रूट होगा? ये तो या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये ग्राफ कब बनेगा इसका? जब इसके कितने रूट होंगे? दो। दो। अच्छा, यही अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होता? रूट। टच कर रहा होता इक्वल रूट, दोनों वैल्यू बराबर हो जाती ना इस पॉइंट पे। यस, तो एक ही रूट आता, मतलब वही दोनों रूट सेम आ जाते उस पॉइंट पे। बोलो भाई, क्या है सेकंड बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? यस सर। ये केस कब होता? ये केस कब होता इक्वल रूट? अच्छा, जब रियल रूट होते ही नहीं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करता। या तो एक्स एक्सिस के पूरा पूरा ऊपर होता या एक्स एक्सिस के पूरा पूरा नीचे होता। क्या ये फील कर पाए भाई? इक्वल टू जीरो का मतलब ये इक्वल टू जीरो होने चाहिए ना, तो दो पॉइंट पे इक्वल टू जीरो हो रहा है, यानी दो रियल रूट आ रहे हैं। अब कह रहा है कि दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं, बोलिए इसका मतलब ये अब दो पॉइंट पे नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जीरो हो सकता है, यानी वो उस पॉइंट पे टच कर रहा होगा। बोलो, अब कह रहा है कोई रियल रूट आ ही नहीं रहा, तो यानी किसी रियल वैल्यू पर ये जीरो हो ही नहीं रहे, तो या तो ग्राफ पूरा पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर a पॉजिटिव है तो पूरा पूरा ऊपर रहेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड करके, और अगर a नेगेटिव है तो पूरा पूरा नीचे रहेगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड करके। फीलिंग क्लियर हुई भाई? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख देगा मेरे सामने अभी तुरंत। नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा होगा तो अपनी बात अभी मेरे सामने रखेगा सर। हेलो सर। कि इस पे a पॉजिटिव है और d भी कैसा है? पॉजिटिव। इस पर a नेगेटिव है और d कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर a पॉजिटिव और d कैसा है? यहाँ पर a नेगेटिव और d कैसा है? यहाँ पर a पॉजिटिव और d कैसा है भाई? लेस देन। यहाँ पर a नेगेटिव और d भी कैसा है? नेगेटिव। तो यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, सही है? टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, और या ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो डी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। क्या ग्राफ की ये फीलिंग समझ पाए सब लोग? बोलो, इस एक्सप्रेशन में अगर ये एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब डी कैसा होगा? नेगेटिव। बोलो, डी नेगेटिव होगा? अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी नेगेटिव होगा? नो सर, पॉजिटिव। याद रखना, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच कर जा रहा है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, और अगर वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है या नीचे है, less than 0, कट और टच नहीं कर रहा है, तो d हमेशा कैसा होगा? less than 0। क्या फीलिंग सबको क्लियर हो रही है ये बताओ? यस सर। बोलिए, तो a और d का साइन डिसाइड कर लेंगे ग्राफ देखकर? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, टच कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है d की वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? यहाँ तक समझ में आया? बताओ।
अब आइए अगले केस में, अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स यानी वही वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर मैं इसमें एक्स को जीरो कर दूं तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सी आएगी। ध्यान से देखो, यस सर, जीरो की वैल्यू क्या आएगी, सी। यानी कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सी पॉजिटिव है या नेगेटिव। बोलो भाई, अगर आपने ग्राफ बनाया और आपका ग्राफ ऐसे बन के आया तो वाई एक्सिस यही तो एक्स इक्वल टू जीरो हुआ और ये वैल्यू सी हो गई। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अगर आपने इसी का ग्राफ ऐसे बनाया सपोज, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो हुआ और ये वैल्यू सी हो गई, तो यहाँ पर सी कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पर सी कैसा है, नेगेटिव। ये बात दिखी कि नहीं, बताओ। Yes. सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या से, ग्राफ से। जीरो ग्रेटर पहला वाला ग्राफ देखकर बताइए ए और डी का साइन क्या है भाई। ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। सेकंड वाला देख के बताओ, बता देंगे कि नहीं, बताओ मुझे। ए डी और सी इन तीनों का साइन आप ग्राफ देखकर बता देंगे कि नहीं, ये बताओ मुझे। अब हम बात करने वाले हैं किसके साइन की, बी के साइन की। किसके साइन की बात करने वाले, बी। चलिए अब आइए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का साइन इस पर डिपेंड करता है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड। सी का साइन इस पर डिपेंड करता है कि ग्राफ एक्स एक्स पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है या नेगेटिव y एक्सिस पे। अब बात आती है बी का साइन किस बात पर डिपेंड करता है, सही है ना। यस सर। अब देखो, याद होगा आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है और वो मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, माइनस बाय टू ए पे। या आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है वो भी किस पे आती है, बताओ भाई। माइनस बी बाय टू ए। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो, हाँ या ना। तो अब जब भी हमको ग्राफ दिया जाएगा हम ग्राफ का यही वाला पॉइंट चेक करेंगे। जब भी ग्राफ दिया जाएगा हम ग्राफ का यही वाला पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है ना। माइनस बी बाई टू ए वाला पॉइंट हम ग्राफ का चेक करेंगे, डन, चेक करना शुरू करेंगे। तो अगर हम इस पहले वाले ग्राफ में देखें, चलो माइनस बी ए बी बाई टू ए वाला पॉइंट चेक करेंगे किसके लिए, फॉर साइन ऑफ बी। हम चेक करेंगे किसको, साइन ऑफ माइनस बी बाई टू ए, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं सब लोग। तो किसके साइन को चेक करेंगे बताइए, माइनस बी बाई टू ए को, ठीक है। अब आइए जरा सिचुएशन डील करते हैं। एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसे है, ओके है? ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ए का साइन कैसा है, चलिए वेरी गुड, ए नेगेटिव है। सी का साइन कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सी पॉजिटिव। दो चीजें तो आपने एकदम सही बताई। डी का साइन कैसा है, पॉजिटिव, दो जगह कट कर रहा था। अब बात आती है बी का साइन कैसा है, ठीक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जिस एक्स पर मिल रही है
वो एक्स ये रहा, वो एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव माइनस बी बाय टू की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में। ए कैसा है? ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है ना, नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो बी का साइन कैसा आ गया? ग्रेटर देन दिखा, बी का साइन कैसा आया? यस हमने सीधे इसके मिनिमम वाले पॉइंट को, सॉरी मैक्सिमम वाले पॉइंट को कंसंट्रेट किया उसी एक्स पर जहां पर ये मैक्सिमम रहता, दैट इज माइनस बी बाई टू ए। ए का साइन हमको पता ही था तो उसकी हेल्प से सीधा हमने निकाल दिया बी का साइन। तो बी का साइन कैसा आ गया? निगेटिव। बोलो भाई क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। यस। चलिए आइए एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। अब आपको एक और ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है? ये ग्राफ है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का साइन कैसा है? पॉजिटिव। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ना। बी का साइन कैसा है? लेस देन नेगेटिव। नेगेटिव। कोई रूट आ रहा है? नो सर। सही है। इसके बाद सी का साइन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बात आती है बी का साइन कैसा, ठीक है ना? तो मिनिमम वैल्यू जहां पे मिल रही है वो पॉइंट कैसा है इस बार, पॉजिटिव है? नेगेटिव। तब क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई टू है, नेगेटिव है। अच्छा ए कैसा है? पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। दिखा बी का साइन कैसे निकला इसमें? यस सर, एक बार फिर से बी वाला। माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव। ए कैसा है? पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, तो माइनस बी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो बी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। आप समझ गए कि नहीं? यस। चलिए फाइंड साइन ऑफ ए बी सी एंड डी और फॉलोइंग ग्राफ। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? ए बी सी और डी का साइन बताना है फॉलोइंग ग्राफ्स में। बताइए सारे ग्राफ्स में ए बी डी और सी के साइन पे कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। चलिए ए बी, चलिए आइए पहले में ए की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव।
नेगेटिव 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 बी भी नेगेटिव यस सर सी ग्रेटर देन पॉजिटिव डी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन 0 देखो सबका यही अंतर है यस सर यस कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं नो सर नो सर सेकंड में क्या सीन है ए लेस देन 0 लेस देन 0 बी लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 सी less than 0 less than 0 less than 0 क्या सीन है ए greater than 0 than 0 greater than 0 smaller than 0 अच्छा greater than 0 greater than 0 d greater than 0 इसमें क्या सीन है ए ए greater than 0 greater than 0 d less than 0 c greater than 0 greater than 0 greater than 0 isme kya seen hai a greater than 0 less than 0 less than 0 greater than 0 aur d less than 0 less than 0 kisi answer mein koi doubt banna ho to karau sum of root aur product of root pe to us pe bhi aap comment kar lenge ki nahi Yes, sir. अगर आप इस पर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव वाला रूट नेगेटिव वाले रूट से छोटा है तो सम ऑफ रूट कैसा होगा नेगेटिव और वैसे भी सम ऑफ रूट होता क्या है माइनस बी बाय तो उसके हिसाब से भी तो नेगेटिव ही आ जाएगा यस बोलो यस सर भाई बी बाय ए का रेशियो हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा नेगेटिव 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 क्यों सी बाय सी बाय ए बाय ए ऐसे भी क्योंकि एक रूट नेगेटिव है ना एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा नेगेटिव वैसे भी सी बाय ए से नेगेटिव आ जाते हैं अच्छा इसमें तो रूट है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं इसमें बताओ सम ऑफ रूट क्या होगा क्योंकि दोनों रूट कैसे हैं नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा पॉजिटिव वो सी बाय ए से भी देख सकते हो कि नहीं बताओ यस सर इसमें सम ऑफ रूट कैसा होगा पॉजिटिव क्यों क्योंकि वो बी माइनस बी बाय ए से भी देख सकते हैं और वैसे भी दोनों रूट पॉजिटिव है तो उनका सम भी कैसा होगा पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा उनको भी लिख सकते हैं जहाँ पे आपके रूट्स आ रहे होंगे तो वहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी कंडीशन बना के आप लिख सकते हैं सही है तो ग्राफ देखकर ये सारी एनालिसिस आप सिंप्लीफाई कर देंगे कि नहीं ये बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जा रहा हो तो बोलो नो सर कहीं भी कुछ भी आपके दिमाग में रह जा रहा हो तो बताइए मुझे नो सर तो ग्राफ देखकर आप ये आराम से एनालिसिस कर लेंगे कि नहीं बोलो वेरी गुड यस चलिए अब मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ मैंने बना के दे दिया नॉर्मल सही ग्राफ बनाते हैं ऐसे बनाए ये एक्स एक्सिस हो गई ग्राफ ने ऐसे इसको दो पॉइंट अल्फा और बीटा पे कट किया ये एक्स एक्सिस हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है वो एफ एक्स पॉजिटिव है बोलो ये वो पोर्शन है ना जिसपे एफ एक्स कैसा है पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव वाला पोर्शन है क्योंकि वो कहाँ पे है प्लस वाई में है तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव हो गया ना नहीं समझे सर समझ गए अच्छा ये वाला पोर्शन कैसा हो गया नेगेटिव नेगेटिव तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब एक्स कहां से कहां होगा माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट और अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स लेस देन जीरो है तो ये कहां होगा अल्फा से बीटा और एफ एक्स अगर मैं आपसे कहूं जीरो है तो ये सिर्फ कहां होगा ऑन द रूट्स अल्फा और बीटा क्या ये एनालिसिस समझ में आया ये बताओ यस सर अच्छा यस यहीं पे अगर मैं इस एनालिसिस को ऐसे कर दूं अब क्या चेंज होगा बोलो अब ये पोर्शन जो है वो कैसा हो गया
नेगेटिव नेगेटिव ये पोर्शन कैसा हो गया पॉजिटिव सही और ये पोर्शन तो जीरो आई तो अब चेंज क्या होगा बताओ अगर मैं अब आपसे एफ एक्स पॉजिटिव की बात करूंगा तो एक्स सिर्फ कहां से कहां होगा अल्फा से बीटा एफ एक्स नेगेटिव की बात करूंगा तो एक्स कहां से कहां होगा माइनस इनफिनिट से अल्फा अल्फा यूनियन एस एल से इनफिनिट और अगर मैं एफ एक्स जीरो की बात करूंगा तो सिर्फ कहां कहां होगा अल्फा बीटा अल्फा और बीटा क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही पूरी बोलिए तो ये रीजन एफ एक्स के पॉजिटिव का है सही है ये रीजन यहाँ पॉजिटिव का है क्योंकि ऊपर है ना एक्स एक्सिस के ये रीजन यहाँ नेगेटिव का है और ये रीजन यहाँ नेगेटिव का है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है क्लियर हो रही पूरी कहानी की नहीं बताओ यस सर वेरी गुड तो कुछ रीजन में पॉजिटिव है और कुछ रीजन में कैसा है नेगेटिव है कुछ रीजन में पॉजिटिव और कुछ रीजन में कैसा है भाई नेगेटिव है नेगेटिव सही है यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि y equal to fx is equals to ax square plus bx plus c having negative value for some values of x सही है ना मतलब इसकी x की कुछ values पर ये negative है या कहीं लिखा हो having positive value for some values of x या इसी को ऐसे लिख दे at least one value of x दोनों बातें सेम है या तो ऐसे सम लिख के दे या इसी सम की जगह क्या लिख के दे दे at least one value of x या इसी की जगह क्या लिख के दे दे at least one value of x तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि fx equals to zero having two real and distinct root बोलो भाई क्या ये बात समझ पा रहे हो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई d is greater than zero बोलो भाई क्या ये पूरी कहानी समझ पाए मैंने क्या बोला सर एक बार फिर से बता दीजिए मतलब अगर वो किसी एक x पर नेगेटिव वैल्यू ले लेगा तो इसका मतलब उस इक्वेशन में कंडीशन क्या बन जाएगी बोलो भाई अगर वो किसी एक x पर नेगेटिव वैल्यू ले लेगा तो कहानी क्या बन जाएगी इसके कम से कम दो रूट हो जाएंगे बोलो किसी जगह नेगेटिव हो गया या किसी जगह पॉजिटिव हो गया या कहीं पॉजिटिव हो गया कहीं नेगेटिव हो गया मतलब एक साइन नहीं है कहीं पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है तो उसके हमेशा दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे यस यस सर क्यों बाकी जगह ग्राफ कैसा बनता है याद करो अगर बाकी जगह ग्राफ याद करो या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा या फिर इसको केवल एक पॉइंट पर टच करता हो जाएगा तो टच करने में कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा बोलो यस yes. इसमें कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा इसमें कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा बट ये कह रहा है कि वो सम वैल्यूज नेगेटिव है सम वैल्यूज पे तो इसका मतलब सम वैल्यूज पे पॉजिटिव भी तो है हाँ या ना या ये पॉजिटिव है सम वैल्यूज पे तो इसका मतलब सम वैल्यूज पे नेगेटिव भी है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है और नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है तो इसका मतलब इसके रो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसका मतलब कंडीशन हम क्या लगाएंगे डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कंडीशन हम क्या लगाएंगे भाई डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं कंडीशन क्या लगाएंगे बोलिए भाई क्या ये बात समझ रहे हो कंडीशन क्या लगाओगे डी ग्रेटर देन जीरो बोलिए समझ में आया यस सर चलिए
इसके बाद ग्राफ से रिलेटेड आखिरी थॉट, आपने दो ग्राफ ऐसे पढ़े, मतलब इस एक्सिस की जरूरत नहीं है, एक ग्राफ आपने पढ़ा एक्स एक्सिस के पूरा पूरा ऊपर, याद है, और एक ग्राफ आपने पढ़ा एक्स एक्सिस के पूरा पूरा नीचे, बोलो ये दोनों चीजें आपने पढ़ी है कि नहीं, बोलो भाई। Yes. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, बोलो, और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, बोलो, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा और डी भी निगेटिव होगा, और यहाँ पर ए निगेटिव होगा और डी कैसा होगा, negative. Negative. मेरी बात समझ आ गई, दोनों केसेस में हम क्या कह सकते हैं बताओ, नॉन रियल रूट है कि नहीं। यस सर। यस। कैसे रूट है भाई, दोनों केसेस में हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग नॉन रियल रूट है कि नहीं है, बोलो, दोनों केसेस में हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैविंग नॉन रियल रूट है कि नहीं है, मेरी बात समझ आ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई, यानी कि हमने इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन वाइज कैसे करना है, कहीं क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, कैसा है भाई, निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, तो कंडीशन क्या होगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होगा भाई, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा भाई, निगेटिव, ये पहला केस हुआ। अब यहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव हो जाए, सॉरी उल्टा लिख दिया सर, पॉजिटिव ए नेगेटिव, सॉरी पहले केस में पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स, दूसरे केस में निगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स, तब कंडीशन क्या होगी, ए की वैल्यू निगेटिव होगी और डी की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव, क्या है, दोनों रिजल्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स तो आप दो कंडीशन उसमें यूज करेंगे, कौन कौन सी दो कंडीशन, उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे और साइमल्टेनियसली उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स तो भी दो कंडीशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे बताओ, बोलिए भाई, नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट को भी क्या करेंगे, नेगेटिव ही डिस्क्रिमिनेंट, समझ रहे हैं कि नहीं भाई, yes. बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, क्या यहाँ तक बात सारी समझ पाए, बोलिए, ऐसा क्यों करेंगे, बात क्लियर हो रही है कि नहीं, क्योंकि फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, हाँ या ना, मतलब ये वाली सिचुएशन, फॉर ऑल एक्स नेगेटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, बताओ भाई, बोलो, yes, sir. अच्छा, अगर इसी में किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कहाँ गया, हाँ, हैविंग नॉन रियल रूट, सही है, एफ एक्स एक एक्सप्रेशन था, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग नॉन रियल रूट है, बोलो भाई, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, D is less than, या तो मतलब ये तो sure shot हो गया कि D less than zero हो गया, या फिर हम ऐसे कहें, या तो ये for all x positive होगा, कब, जब ये positive होगा, और या फिर ये all x कैसा होगा, negative होगा, वो भी कब, जब a negative होगा, क्या ये कहानी समझ पाए,
भाई नॉन रियल रूट का मतलब हो गया कि या तो x एक्सिस के पूरा पूरा ग्राफ ऊपर होगा या पूरा पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा। तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब होगा बताओ भाई? a greater than sir a positive, a पॉजिटिव होगा। और ग्राफ x एक्सिस के नीचे कब होगा? a less than zero, जब a less than zero। तो या तो पूरा पूरा fx पॉजिटिव लेना है या पूरा पूरा fx कैसे ले लेना है नेगेटिव। क्या है पूरी कहानी सब लोग समझ रहे हो ये बताओ पहले बस, हाँ है ना? मैं जवाब दो, क्या ये पूरी कहानी सब लोग कमेंट किया कि नहीं बताओ? सबसे yes, पहले आपने देखा yes, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए कैसा होगा? नेगेटिव, तो ट्रू हो गया। दो रूट आ रहे हैं तो इसका मतलब डी कैसा होगा? पॉजिटिव, ट्रू हो गया। सम ऑफ रूट कैसा होगा भाई? पॉजिटिव रूट बड़ा है नेगेटिव रूट से तो पॉजिटिव होगा, तो ट्रू हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो फॉल्स हो गया। अब सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ए नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी नेगेटिव आएगा तो बी कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब सी बाई ए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा? नेगेटिव, बट ए कैसा है? नेगेटिव, तो सी कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब ए कैसा है? नेगेटिव। बी कैसा है? पॉजिटिव। सी कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो इसका मतलब ए बी सी का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव, और ये दिया कैसा है? पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया ये बताओ? बोलो भाई। yes. अब आइए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आइए। कह रहा है कि ये नेगेटिव है किसी एक एक्स पर, तो आपको ए की वैल्यू में कमेंट करना है। क्वेश्चन देखो जरा आराम से, क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये निगेटिव है एटलीस्ट वन एक्स पर, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे ना भाई? yes, पैराबोला तो ओपनिंग अपवर्ड होगा और किसी एक एक्स पर निगेटिव है तभी आएगा जब एक्स एक्सिस तो कितनी बार कट करेगा दो बार इसका मतलब कंडीशन हम क्या लगाएंगे डी ग्रेटर देन जीरो डी तो हमें पता होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो लगा दो अरे हाँ ना जवाब दो यार क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 16 ए प्लस 48 आ रहा है क्या? यस सर। yes, तो क्या इसका फैक्टर ए माइनस 12 और ए माइनस 4 आ रहा है? 12 और 4। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 यूनियन 12 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 4 प्लस 4 यूनियन 12 से प्लस 4। देखो क्या सही आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से 4 यूनियन 12 से इनफाइनाइट। प्रोसेस समझ में आया सबको कि नहीं? एट लीस्ट वन नेगेटिव एक्स पे क्या करेंगे ये बात क्लियर? तो यानी कि आपको क्या कहा गया है कि दिस इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो बात है, यानी या तो ये अगर ए को पॉजिटिव ले लें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ए को नेगेटिव ले लें तो ये हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी ले लो। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखा आपने, हमें प्रूफ करना है सी। सी का मतलब क्या हो गया भाई? एफ ऑफ जीरो हो गया कि नहीं? और हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या ये F1 हो गया? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। yes, yes, sir. तो या तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी या दोनों की वैल्यू नेगेटिव। ये समझे कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो। अगर पहला केस yes, ले लोगे yes, तो F ऑफ 1 भी पॉजिटिव होगा और F ऑफ 0 भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब F0 into F1 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो c into a plus b plus c हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर सेकंड केस ले लोगे तो f of 1 भी नेगेटिव होगा और f of 0 भी नेगेटिव होगा, बट f of 0 into f1 का प्रोडक्ट अभी भी पॉजिटिव होगा, तो c into a plus b plus c हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी दोनों में से कोई भी केस ले लो, c into a plus b plus c हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ये फॉर ऑल एक्स नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, मतलब ए भी नेगेटिव होना चाहिए और डी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ए नेगेटिव मतलब ए प्लस 4, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना? अरे हाँ या ना बोलो यार। तो वो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ए हमेशा माइनस 4 से तो छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर, अरे बोलो यार, माइनस माइनस फोर
माइनस फोर ए और सी, यही तो आएगा। यस सर। ये कैसा होना चाहिए? लेस देन, इसी को लेस देन जीरो कर दूं तो फोर ए स्क्वायर माइनस फोर टू ए माइनस सिक्स ए प्लस फोर लेस देन जीरो कर दो। बोलो भाई, फोर कॉमन लेके हटा दो तो ए स्क्वायर माइनस ए टू ए माइनस सिक्स ए प्लस फोर लेस देन जीरो कर लेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई करिए जरा, टू ए स्क्वायर प्लस एट ए माइनस सिक्स ए माइनस ट्वेंटी फोर। देखो कुछ ऐसा आ रहा है। यस सर। यस। मतलब टू ए स्क्वायर तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर ना, और माइनस तो प्लस टू ए हो जाएगा और माइनस का ट्वेंटी फोर हो जाएगा। देखो जरा क्या ये फैक्टर में ए प्लस सिक्स और ए माइनस फोर आएगा। यस। तो क्या ए की वैल्यू माइनस सिक्स से फोर आएगी? माइनस सिक्स। और हमें ए को किससे लेस लेना है बताओ? माइनस फोर से। माइनस फोर। सर फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस सिक्स से माइनस फोर। माइनस सिक्स से माइनस फोर। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। हेलो सर। गौर कर सर, वो टू ए माइनस का होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पे लगो ना, यहाँ पे जब माइनस सर साइन चेंज होएगा, इक्वलिटी साइन। यस, ये ग्रेटर आएगा तो ए की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस सिक्स यूनियन फोर से इनफाइनाइट। अब दोनों का कॉमन आंसर लोगे तो क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस सिक्स। अब समझ में आया गलती? बोलो भाई, कंफ्यूजन। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया ये बात दिखी सबको कि नहीं, ये बताओ? यस सर। ए माइनस वन पॉजिटिव था पहली चीज, क्योंकि ऐसा वाला ग्राफ है ना, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है और डिस्क्रिमिनेंट कैसा करना है? नेगेटिव करना है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से निकाल लिया, इसी को सिंप्लीफाई किया, दोनों का क्या ले लिया इंटरसेक्शन, तो वहां से आंसर आ गया फाइव बाई थ्री से इनफाइनाइट। तो ये ऑल एक्स पॉजिटिव, ऑल एक्स नेगेटिव, नॉन रियल, ये सारे केस एक बार में समझ में आए सबको कि नहीं? Yes. लो भाई, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या